हेलो फ्रेंड्स, मैं अनामिका। मेरे किचन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं एक कतली की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे बनाना बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। इसे बच्चे बड़े सभी पसंद करते हैं, तो इस रेसिपी को आप भी जरूर ट्राई कीजिए। इस रेसिपी को आप पूरी पराठे के साथ मजे लेके खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसे आप भी ट्राई कीजिए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। एक कतली बनाने के लिए सबसे पहले हमने गैस की कढ़ाई को गर्म कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे एक बड़ा चम्मच तेल। तो आप यहाँ पे कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं। हम यहाँ पे मस्टर्ड में बना रहे हैं, क्योंकि ठंडी का सीजन हो और मस्टर्ड ऑयल हो तो शरीर के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है और एक कतली भी बहुत टेस्टी बनती है। तेल को हम अच्छे से गर्म करेंगे। तेल अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम यहाँ डालेंगे एक चम्मच जीरा। जीरा को हम तेल में अच्छे से चटकने देंगे। तेल में जीरा चटकने लगा है। अब हम इस स्टेज पे एक बड़ा प्याज, जिसे हमने बारीक बारीक काट लिया, प्याज को हम सॉफ्ट होने तक भूनेंगे। यानी कि 2 से 3 मिनट लगता है मीडियम फ्लेम पे प्याज सॉफ्ट होने में। प्याज सॉफ्ट हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे हरी मिर्च। तो यहाँ पे हमने 2 हरी मिर्च को छोटे छोटे काट लिए हैं। इसे भी हम प्याज के साथ आधा मिनट तक भून लेंगे। मिर्च भी हमने भून लिया। अब यहाँ पे हमने 2 मीडियम साइज टमाटर को छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है, उसे भी डाल देंगे। टमाटर को भी हम सॉफ्ट होने तक 1 से 2 मिनट तक भूनेंगे। टमाटर हल्का सा सॉफ्ट हो चुका है। अब यहाँ पे हम मसाला ऐड कर लेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच हल्दी। एक चम्मच धनिया पाउडर। 2 चम्मच हम लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। मिर्च आप अपने तीखा के अनुसार कम ज्यादा कर लेंगे। और टमाटर को गलने के लिए हम टेस्ट के अनुसार नमक भी डाल देंगे। नमक डालने से सबको पता है टमाटर जल्दी सॉफ्ट हो जाता है, तो हमने यहाँ पे टेस्ट के अनुसार नमक भी डाल दिया। मसाले को हम टमाटर नमक के साथ अच्छे से मिक्स करके भूनेंगे। हमने टमाटर को गलने तक भून लिया है। आप देख सकते हैं अच्छे से अभी प्याज टमाटर भून चुकी है, यानी कि गल गई है। अब यहाँ पे हम डालेंगे 1 चम्मच गरम मसाला और साथ में हम डालेंगे फ्रेश धनिया पत्ता, जिसे हमने बारीक बारीक काट लिया है। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एक कतली में धनिया का पत्ता का टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। आपको पसंद है तो ज्यादा डालिए, नहीं पसंद है तो थोड़ा सा कम कर दीजिए। अब चलिए हम अंडे की तरफ चलते हैं। एक कतली के लिए हमने उबाला हुआ 6 अंडा ले लिया है। अंडे को हम कैसे काटेंगे आपको दिखा दे रहे हैं। बीच से हम ऐसे 2 पार्ट करेंगे और इसके भी हम ऐसे 2 पार्ट कर लेंगे। तो ये अपनी अंडे की कतली तैयार हो गई। ऐसे ही हम सभी अंडे को कतली बना लेंगे। सबसे पहले हमें 2 पार्ट में काटना है। इसे बीच से हमें फिर से 2 भागों में कर लेना है। तो हमने सभी एक को कतली के रूप में काट लिया है। अब चलिए हम इसे ग्रेवी में ऐड करते हैं। तो यहाँ पे अपनी अच्छे से मसाले
फ्राई हो चुकी हैं। अब हम इसे ऐसे फैला देंगे और बीच में हम एक एक कतली को ऐसे सीट कर देंगे। इसे सावधानी से डालना होता है। हमने सभी एक कतली को डाल दिया है, हमने सभी एक कतली को डाल दिया है। अब हम हल्के हाथों इसमें अपना मसाला ऐड कर लेंगे। इसे सावधानी से हम ऐसे धीरे धीरे ऐड कर लेंगे। तो हम हल्के हाथों धीरे धीरे मसाला मिक्स कर लेंगे। हमने एक कतली को अच्छे से हल्के हाथों से ऐसे चला चला के भून लिया है। आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया मसाले के साथ कोटिंग हो गई है एक कतली की। तो यहाँ पे अपनी एक कतली बनकर तैयार है। अब हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर लेंगे। तो चलिए हम गर्मा गर्म एक कतली की प्लेटिंग कर लेते हैं। आप देख सकते हैं ये कितना बेहतरीन बनकर तैयार हुआ है। खाने में तो ये लजीज लगता ही है। तो फ्रेंड्स, आपने देख लिया एक कतली बनाना कितना आसान है। इसे बड़े बच्चे सभी पसंद करते हैं और बनाना भी बहुत ही आसान है। खाने में आप पूरी पराठे के साथ इसे खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को आप भी जरूर ट्राई कीजिए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। हाँ, कमेंट जरूर कीजिएगा जिससे पता चल सके कि आपको किस तरह की रेसिपी पसंद आ रही है। धन्यवाद।